पैदा कर सके। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली के साथ कमलेश डकनी की रिपोर्ट। टूट गई सांसों की डोर, छूट गया जीवन का साथ। सोमवार को तमाम आशंकाएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सच साबित हो गईं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद प्रशासन शहर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया। जिला कलेक्टर और एसपी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां भारी जाब्ता किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। आपको बताते चलें कि 16 अगस्त को जब देवराज अपने एक सहपाठी के हाथों लहू लुहान होकर अस्पताल पहुंचाया गया था, तभी से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मौत की अफवाह जब तब जोर पकड़ रही थी, जिम्मेदार शहर के बाशिंदों को आश्वस्त कर रहे थे। सरकार ने जयपुर और कोटा से देवराज के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी भेजे थे, लेकिन तमाम सच्चाइयों के बीच एक सच ये भी है कि इंसान के प्रयास की भी एक सीमा है। बोलना मत भाई, अब शांति व्यवस्था सही में रहे। इसको पैकेज नहीं गई, देखिए ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सम्मान है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी, लेकिन भाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की। एक नज़र शुक्रवार से सोमवार के बीच चली घटनाओं पर। 16 अगस्त सुबह 10:30 बजे स्कूल के पास चाकूबाजी हुई। सुबह 11:30 बजे जब अस्पताल में भीड़ जमा हुई, दोपहर को 1 बजे तक भीड़ आक्रोशित होने लगी, तो वहीं दोपहर को 3:30 बजे तक बाजार बंद करवाए गए। शाम 4:30 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। शाम 5 बजे तक पुलिस प्रशासन ने समझाइश की। शाम 6 बजे तक शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। 17 अगस्त दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूल बंद करवाए। दोपहर को 12:41 पर जयपुर से डॉक्टरों की एक टीम एमबी अस्पताल पहुंची। दोपहर 4 बजे अदालत ने आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेजा। 18 अगस्त सुबह 10 बजे घायल छात्र की मां ने बच्चे से मिलने की मांग की और धरने पर बैठ गईं। सुबह 11 बजे कई संगठन और बच्चे का परिवार रैली निकालते हुए अस्पताल पहुंचे। 19 अगस्त दोपहर के बाद इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया। शनिवार को प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर बने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया था, लेकिन देवराज की मौत के बाद परिजन आरोपी छात्र को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी सजा जो अतिवादी सोच रखने वालों के अंदर खौफ पैदा कर सके। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से
कपिल शिमाली के साथ कमलेश दखनी की रिपोर्ट। टूट गई सांसों की डोर, छूट गया जीवन का साथ, सोमवार को तमाम आशंकाएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सच साबित हो गईं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज को नहीं बचाया जा सका।